Please subscribe to my channel Kitchen with Faria Baloch and press the bell icon button to get notified. Assalamualaikum, Kitchen with Faria Baloch ke saath main hu YouTube par Faria Baloch. अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को जो कि YouTube पर किचन विद फरिया बलोच के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज एक और विंटर स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं हम जो कि है स्वीट में बनने वाली। आज बन रहा है गाजर मुजाफिर। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत मजे की, डिलीशियस और फटाफट बनने वाली है। तो देर नहीं करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ किचन में चलते हैं। तो विंटर स्पेशल गाजर मुजाफिर के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं मेरे पास। यहाँ मैंने ली है सेवैया, बारीक सेवैया जो होती हैं हमारी, ये ली हुई है मैंने आधा पाव के करीब। और देख लें, अंदाजा करना है तो एक प्लेट है, समझे एक प्लेट के करीब है ये, वरना एक स्मॉल बाउल जो होता है हमारा। और यहाँ मैंने ली हुई है एक पाव गाजरें जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेट कद्दूकश किया हुआ है। एक पाव गाजरों से बना रही हूँ, एक पाव गाजर है, आधा पाव सेवैया है, थोड़ा सा येलो फूड कलर है, सब्ज इलायचियाँ ग्रीन कार्डमम मौजूद हैं, पांच लिए हैं मैंने। यहाँ कुछ बादाम है जिन्हें मैंने रोस्ट कर लिया है हल्का सा ना घी में, ये थोड़े गार्निशिंग में जाएंगे और ये थोड़े से हम अंदर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास शक्कर मौजूद है जो कि 5 to 6 टेबल स्पून के करीब है, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे। और जो है कुमेल मतलब कंडेंस्ड मिल्क मौजूद है मेरे पास, ये भी जाएगा इसमें। और हम इसे गार्निश करेंगे अपनी जो है क्रीम के साथ, आप चाहेंगे तो यहाँ पर मावा भी ऐड कर सकते हैं। घी जाएगा इसमें, जो टोटल अमाउंट जाएगी घी की वो तकरीबन 1 कप होगी। घी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑयल में चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं, असली घी में चाहें तो असली घी में बना सकते हैं। तो अभी हम इसकी तैयारी बिल्कुल शुरू कर देते हैं। अब जो 1 कप घी मैंने बताया है उसमें से मैंने 1/2 कप घी यहाँ लिया हुआ था, उसमें मैंने थोड़े से वो जो अपने बादाम थे सारे वो उसमें मैंने रोस्ट किए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी ये हरी इलायचियाँ और इन्हें ऐसा करूंगी 2 से 3 सेकंड जरा अच्छे से कड़कड़ 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 आने देते हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से इसमें निकल के आए। चले ये कड़क गई हैं, अब इसमें से मैं क्या करूंगी 3 अपनी निकाल लूंगी इलायचियाँ और 2 इसमें छोड़ दूंगी। और अब क्या करेंगे, हमने जो यहाँ सेवैयाँ तोड़ी हुई हैं अपनी ये हम इसमें डालेंगे और इनको 3 से 4 मिनट जो अच्छी तरीके से इस घी में इन इलायचियों के साथ थोड़ा रोस्ट करेंगे। देखें अब इनमें जरा अच्छा सा, हमारे जलाना नहीं है ना, बस हल्का सा जो है ना लाइट गोल्डन सा जैसे कलर देना है कि ये अच्छा सा इनमें, और खुशबू सी जैसी हल्की सी उठने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो अपना ये कंडेंस्ड मिल्क लिया हुआ है ये मैं इसमें करूंगी, तकरीबन मैं कर रही हूँ 4 टेबल स्पून ऐड। अब वही कम आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाल के भी हम इसको ज़रा 2 से 3 सेकंड ऐसा करेंगे कि ये इसके साथ सारे मिक्सअप हो जाएं सेवैयाँ हमारी ना। अब आप यहाँ इसमें दूध भी डाल सकते हैं 1/2 कप के करीब, और मैं यहाँ डाल रही हूँ वाटर, ठीक है। और इसके साथ हम इसे 2 से 3 सेकंड अच्छी तरह कुक करेंगे, जैसे अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर रहे हैं। दूध इसलिए नहीं डाला क्योंकि कंडेंस मिल्क डाला हुआ है, तो पानी डाल के हम थोड़ा सा सेवइयों को जैसे हमें सॉफ्ट करना है ना, तो 2 से 3 सेकंड हम इसे इस तरह सॉफ्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पानी इसका जो खुश्क हो गया तो मैं इसमें हल्का सा, आप चाहें तो मैं डाल रही हूँ अच्छे सा कलर आ जाता है, मैंने तकरीबन थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डाल दिया है, पिंच लिया है मैंने, पिंच से थोड़ा सा ज्यादा होगा, चाहे तो डालें नहीं चाहे तो ना डालें, ऑप्शनल है। सेवैयां हमारी रेडी हो चुकी हैं, अब हम करते हैं इन्हें एक साइड पे, इन्हें निकाल लेते हैं अभी हम प्लेट में, फिर बाकी प्रोसेस करते हैं अपना। अब देखें 1/2 कप दही मैं सॉरी घी इसमें मैंने और डाल दिया है और इसको हल्का सा हम इसमें मेल्ट होने देते हैं। अब वो जो हमने 3 इलायचियां बचाई थी वो हम इसमें डाल देंगे, और क्या करेंगे जो हमने अपनी गाजरें ली हुई है कद्दूकश की हुई 1 पाव वो हम इसमें डाल देंगे और इनका थोड़ा सा पानी खुश करेंगे 2 से 3 सेकंड्स। 2 से 3 सेकंड्स देखें हमने इसको अच्छी तरीके से
इतना किया कि गाजरों का जो पानी है थोड़ा सा अच्छी तरीके से सोख हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने यहाँ 5 टेबल स्पून ली हुई है शुगर, ये डाल दूंगी और अच्छी तरीके से इसमें देखिए हम इसे मिक्सअप कर लेंगे और इसको भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। देखें 10 से 15 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है ना भून लिया है और मज़ेदार सी इसकी अच्छी सी खुशबू उठने लगी है। ज़रूरी नहीं है कि घी आप मेरे कहे हुए मकदार के हिसाब से डालें, आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाज़ लोगों को थोड़ा छोटा छोटा घी जो है हलवों में अच्छा लगता है कि थोड़ा घी छूट रहा हो, तो वो ये है कि आप अपने हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट इसकी जो है क्वांटिटी है और ज़बरदस्ती यहाँ हमारी ये गाजरें शक्कर और तमाम चीज़ों के साथ बहुत अच्छा सा जो है हमारा ये पार्ट भुन चुका है। अब क्या करेंगे हम इसकी यहाँ पर जो हमने ये बादाम लिए हुए हैं थोड़े से हम इसमें पहले इनको ऐड करते हैं और जो हमने यहाँ पर सेवैयाँ अपनी रेडी की थी ये हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। अब इन सबको अच्छी तरीके से आपस में हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। देखें अच्छे से मैं इसका चमचा चलाती जा रही हूँ और इनको आपस में हम बाई मतलब जोड़ते जा रहे हैं इस तरीके से कि आपस में अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए, सेवैयाँ और गाजरें आपस में मिक्सअप हो जाए। जो थोड़े से बादाम बचे हुए हैं ये भी अब हम सारे इसमें ऐड कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखें करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप करना है। 2 से 3 सेकंड में पूरा प्रोसेस देखें हमारा हो जाएगा। अभी अच्छी तरीके से सब मिक्सअप हो चुका है, अब मैं क्या करूँगी ये करके फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो खोया डाल सकते हैं और अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा गाजर मुजाफिर रेडी हो चुका है। गाजर का हलवा तो बहुत सारा बनाते हैं, गजरेला भी बना लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यमी है, बनाएं इसको और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना। अब तक अगर मेरे चैनल को जो कि किचन विद परिया बलोच के नाम से है YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊंगी, जब तक फरिया को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।